नहीं, अगर लोग इतने ठंड में सड़क पे उतर रहे हैं तो कोई तो बात होगी, वरना जाड़ा इतना है कि कोई बाथरूम के लिए भी अपनी रजाई से ना निकले। हमारा लड़का गया था कल रात, छींकता हुआ आया। नहीं भैया, इतनी रात में जाके नारे लगाओगे तो जुकाम तो हो गई, अब नाक बह रही है। अस्सलाम वालेकुम इंस्टाग्राम के बंदो, मेरे हर दिन सिर में दर्द रहता है ये सब सुन सुन। ये वीडियो शूट करने से पहले मुझे बोला गया था कि सलोनी आप ना थोड़ा ऐसे घूम घूम कर ब्लॉग टाइप में इसे शूट करना, थोड़ा अच्छा लगेगा। मैंने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि अगर किसी ने नोटिस किया हो तो देखो मेरा पेंट तक छुट रहा है। नज़मा आप ही कोई अच्छी जगह पर नहीं रहती हैं, वो ब्लॉग नहीं बना सकती हैं। इसलिए नज़मा आप ही एक मुस्लिम लेडी हैं जो एक मॉम भी हैं, और हमेशा दिक्कत रहती है उन्हें हर चीज से, और वो दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर बताती है उनको किस चीज से दिक्कत है। मैं हर दिन मोदी जी कुछ ना कुछ कर देती। मैं तो पहले सो के उठती तो मैं देखती थी मेरी औलाद ने क्या किया, ये तोड़ दिया वो तोड़ दिया। मुझे हर दिन देखना पड़ता है कि हाय अल्लाह आज मोदी जी ने क्या कर दिया। अब फेस की नजम से दिक्कत हो गई। इसमें क्या दिक्कत है? कविता तो अटल जी भी पढ़ते थे, इसमें क्या हो रही है? ये दिल्ली पुलिस कितनी ढीली है, लोगों ने तो कितनी पहले बता दिया था सोशल मीडिया पे वो लड़की कौन है, इन्हें अब पता चल रहा है कि वो कौन है। 2017 में मेरे मम्मी पापा ने मुझे एक फोन दिला दिया और एक इंटरनेट कनेक्शन मिल गया। पहले भी आइडियाज आते थे बट पहले कोई मीडियम नहीं था, तो जब मुझे मीडियम मिला तो आई स्टार्टेड पोस्टिंग थिंग्स ऑनलाइन एंड आई होल्ड माई फोन लाइक दिस, और फिर उसके बाद आई स्टार्ट स्पीकिंग। लगभग 1.5 साल पहले ईद के दिन मेरे को थॉट आया कि कुछ कर सकते हैं, तो आई डिसाइडेड टू प्ले अ मुस्लिम लेडीज कैरेक्टर। मैं ओल्ड दिल्ली गई, मैंने वहां के लोगों को बोलते हुए सुना, तो सारे लोग नहीं लेकिन हाँ काफी लोग इस लैंग्वेज में बोलते थे, तो मैंने वो काफी कुछ कीवर्ड्स कैच कर लिए, जैसे कि अरे अबे भैये, महल्ले, फोन, फोन को फोन बोलते हैं, तो ये सब छोटी छोटी चीजें थी जो मैंने कैच किया और मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया। और लास्ट नवंबर में जब पहली वीडियो वायरल हुई तब लोगों को पता चला नज़मा आपी के बारे में। अबे भाई कितना पोल्यूशन हो रहा है, कुछ पता ही नहीं चलता कौन साथ खड़ा कौन दूर खड़ा, इतना धुआं हो रखा है। कल रात में सलमा की बुराई कर रही थी, पता चला धुएं में साथ में सलमा ही खड़ी है, पर वो अच्छा धुआं इतना, मैं वहां से कब कट ली उसे पता ही नहीं चला। मेरी फैमिली काफी चिल है, उन्होंने कभी भी मुझे वीडियोस वगैरह बनाने से रोका नहीं। दे आर ऑलवेज लाइक कि पढ़ाई पर फोकस रहना चाहिए, बाकी तुमको जो करना है करो। चौली थी शुरू से ही ऐसे काफी, स्कूल टाइम से ही मुझे बस 3-4 लोग चाहिए होते थे एंड आई यूज टू स्टार्ट मिमिकिंग पीपल अराउंड। बस यही काम आता था मुझे, मैं यही करती रहती थी, लोगों को हंसाने में मुझे अच्छा लगता था, और ऐसे ही मेरा बचपन कटा है हंसते खिलखिलाते हुए। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि मुझे हेट कमेंट्स नहीं मिले, हेट कमेंट्स भी मिले हैं बट आई इग्नोर देम एंड आई फोकस ऑन माय वर्क। मेरा तो यही मानना है कि अगर आप लोगों को ह्यूमर के थ्रू कोई चीज समझाते हो तो इवन इफ दे डोंट एग्री विद यू, दे विल ट्राई टू लिसन टू यू। फ्लोर दिला रही हूं, उस दिन का इंतजार है मुझे तो बहुत। मैं तो अब सारे कपड़े अपने साथ शाहीनबाग ले जाती हूँ, वहां का माहौल इतना गर्म है कि बिना ड्रायर के कपड़े सूख जाते। मुझे ना बोला था कि जैसे नज़मा आप ही वीडियो की शुरुआत करती हैं, तो अगर सलोनी एक बार वो लाइन बोल दे तो मैं बोल तो दूंगी, बट मैं अभी पहले बता रही हूँ कि वो बहुत खराब होगा क्योंकि वेल के बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, बट फिर भी मैं बोल देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम इंस्टाग्राम के बंदो,